आलम चला गया। हां हां बताओ भाग गए क्यों भाग गए आज बहुत गर्मी में भाग गए तू गाड़ी नहीं आया यहां तो लेके भाग गया ना यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और ये चाप है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ट्रक आमने सामने टक्कर मारी है और इसमें ड्राइवर भी घायल हुआ है। चलिए यहाँ पूछते हैं कि कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। यूपी एक्सप्रेस बताइए कैसे एक्सीडेंट हुआ है। मालूम नहीं, हम लोग तो सोए हुए थे, सोने का टाइम है, आदमी सो गए हैं ना। गुजरी बताएगा सर, एक्सपोर्ट के जो तारीख है मेरे भाई साहब सुनिए। हेलो प्रशासन से मांग की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग चेकिंग करके नंबर या जाँच ये सब जाँच करें। अच्छा ठीक है, प्रशासन से यही मांग है कि प्रशासन तो यहाँ टाइट नहीं है बिहार में। और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ के आम जनता के मांग है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये इसको चेकिंग किया जाए और यहाँ पे ओवर ब्रिज पे ब्रेकर बनाया जाए, गोलंबर और ब्रेकर का निर्माण किया जाए, यहाँ का आम जनता का मांग है। ढाल होता है ना, गाड़ी जब उतरती है तो स्पीड में होती है, गोलंबर भी नहीं है यहाँ पर जी, यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, कहाँ जा रहा है ये ब्रिज जी। वो जो है ब्रिज पे बोर्ड लगना चाहिए, वहाँ ब्रेकर बनना चाहिए और बनना चाहिए जरूर। यहाँ की आम जनता का मांग है कि यहाँ पे जो ओवर ब्रिज गिर रहा है यहाँ पे गोलंबर बनना चाहिए और ब्रेकर लगना चाहिए, डिवाइजर भी नहीं है यहाँ पर, गाड़ी कंप्लीट करने के लिए स्पीड में आती है, लाइने और बाएं का कॉन्टेक्ट होता है जी। जब अंदर दोनों गाड़ी कॉन्टेक्ट होगा तो बाएं वाला गाड़ी तो दाहिने वाला का निकलना चाहिए, तो बाएं वाला कैसे रोकेगा, तो ढाल से ढलान पे है वो जी, तो कैसे रोकेगी वहाँ गाड़ी, तो रोकने के लिए बनाना चाहिए ना। तो ऊपर से ढाल जो आ रहा है और साइड से निकलने में भी पब्लिक का दिक्कत होता है, तो इसके लिए यहाँ की आम जनता का मांग है कि ब्रेकर भी का भी निर्माण होना चाहिए और ऊपर से जो ढलाव गिर रहा है उसके लिए भी यहाँ ये होना चाहिए, रुकाव होना चाहिए और गोलंबर का भी निर्माण होना चाहिए। गोलंबर और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक्सीडेंट आदमी निकल रहा है, गांव से भी आदमी का जो कट निकल रहा है वो भी है, ऊपर से ब्रिज का है, नीचे से है, एक तो स्कूल है यहाँ पर, इन लोगों का प्रेशर ये हर रोड पे जाते हैं, वहाँ से चलते हैं ये जी जी, इतने बालू की गाड़ियाँ निकलती हैं, इन लोगों का ये नहीं है कि यहाँ स्कूल है चाहे यहाँ गांव है, प्रशासन तो यही खड़ा है, कुछ नहीं होता है, प्रशासन तो प्रेशर इतना हर रोड बचता है कि क्या कहें। और आमने सामने दो ट्रक आमने सामने टकराया है जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ का पब्लिक का मांग है कि यहाँ पे ब्रेकर बनना चाहिए और ब्रेकर का निर्माण होना चाहिए। थोड़ा ना का मतलब अब बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ है और ये इसका जो ड्राइवर है उसका क्या हुआ है। देखिए वो लेटा हुआ है वहाँ पर, ड्राइवर पी के चला रहा था तब एक्सीडेंट हुआ बड़ी गाड़ी पे, लाके डायरेक्ट लाल जनता कहाँ से पी किया है जो बिहार में तो बम बताओ। और ये जो ड्राइवर है यहाँ पे हैं और आमने सामने दोनों एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है सर, सर किस तरह हुआ है। हम लोग तो अभी आ रहे हैं, हम लोग कुछ मालूम नहीं है,
और यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और यही जो ड्राइवर है जो इनके द्वारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और दूसरा जो गाड़ी का एक्सीडेंट किया है वो भाग गया है पीछे में मारा है। इनको चोट भी ज्यादा लगा है और इनका पैर फंसा हुआ था और इनको निकाला गया है जो एक्सीडेंट किए हैं और यही है जो गाड़ी का जो ड्राइवर है और इनका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के द्वारा इनको चोट भी लगा है। यूपी एक्सप्रेस मीडिया के माध्यम से हम दिखा रहे हैं जो चाप में हुआ है, चाप सुरैया टोला ओवर ब्रिज के निकट ये एक्सीडेंट हुआ है जो ट्रक से हुआ है और उसी का ये ड्राइवर है जिनका चोट लगा है और एक एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ की आम जनता का मांग है कि ओवर ब्रिज के नीचे में ये बनना चाहिए, गुलंबर बनना चाहिए, ब्रेकर बनना चाहिए। और यहाँ पे मौके पे हमारे सराय थाना पहुँची हुई है जो यहाँ का जायजा ले रही है। सर कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ? ड्राइवर अब गाड़ी लगा हुआ था रोड पर लाइन के धाका पीछे से ही मर ले जी। और यही ड्राइवर ने पीछे से धक्का मार दिया है और सामने दूसरा गाड़ी लगा हुआ था जी। अरे गले घुमाओ ना जी, और यहाँ पास में एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे स्कूल भी है और वहाँ पे ब्रेकर भी नहीं है और ब्रेकर भी नहीं के ब्रेकर भी कम हो गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो ब्रेक उसमें भी दिक्कत होता है, कोई ब्रेक नहीं लगाता, कोई गाड़ी वाला ब्रेक नहीं लगाता है। और यहाँ फ्लाई ओवर से ढूलता है तो कोई गाड़ी वाला ब्रेक भी नहीं लगाता है, डायरेक्ट चला जाता है और डायरेक्ट प्रेस रन बजाते हुए चला जाता है। बच्चे लोगों का भी डिस्टर्ब होगा यहाँ पे जो पास में स्कूल है। और ये तो ट्रक है जो आमने सामने एक्सीडेंट किया। और यहाँ पे बराबर एक्सीडेंट होते रहता है। अच्छा वो लोग पैसा जो लेता है पुलिस वाला तो उसका आप लोगों के पास उपाय नहीं है? रात बालू वाले से सबके पास उपाय है।